वेग शरीर है, मलमूत्र का कोई वेग आपको परेशान न करे, जिससे कथन और श्रवण में किंचित भी कहीं कोई तकलीफ हो, किंचित भी कोई बाधा आए, क्योंकि बैठ रहे इतने महत्वपूर्ण चीज के लिए। श्रीमद् भागवत एक बार अगर जीवन में उतर गई तो जीवन के जितने कष्ट हैं, जितनी तकलीफें हैं, जिन जिन के लिए आप द्वार द्वार पर घूम रहे हैं, ये मन रूपी कुत्ता, कबीरदास कहते हैं कि द्वार द्वार घूम रहा है, ये मन रूपी कुत्ता द्वार द्वार घूम रहा है, पर दर दर दुर दुर होए, और हर दर पे दुर दुरा दे रहे हैं लोग, दुर 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 दुर। और एक बार जो गुरु चरण गए तो फिर समक्ष राधा माधव ही होए। अगर गुरु चरणों में कहीं वो मन आ गया तो राधा माधव तुम्हारे समक्ष होंगे या उनकी गोद में तुम हो। और श्रीमद् भागवत तुम्हें श्री कृष्ण से प्रेम करा देगी, गारंटी। कैसे करा देगी गुरुजी, तुम सुनो तो, न करा दे तो बताना। श्रीमद् भागवत की कथा सप्तम दिवस तक तुम्हें कृष्ण से प्रेम करा ही देगी। तुम कितने भी शुष्क होगे, कितने भी सूखे होगे, रूखे होगे, भूखे होगे, लेकिन निश्चित समझना श्री कृष्ण का प्रेम, श्री कृष्ण का विरह तुम्हारे हृदय में रोम रोम में समा जाएगी। भैया सुनने की तो बात छोड़ो, अगर श्रीमद् भागवत का निमंत्रण किसी को मिल गया तो उसके विषय में कहते हैं कि अगर श्रीमद् भागवत सुनने का संकल्प किसी ने कर लिया कि सुनूंगा, बोलता उसी समय हमारा टेढ़ी टांग वाला कन्हैया उनके हृदय में घुस जाता है। बोतल में टेढ़ा टांग वाला आदमी घुस जाए फिर निकलना बड़ा कठिन होता है, एक बार मन के अंदर घुस गया तो फिर निकलता नहीं ठाकुर। केवल सुनने का संकल्प मात्र जिसने ले लिया, और हम तो सुन रहे हैं, संकल्प तो छोड़ो सुन रहे हैं। आप कहोगे आप कहां सुन रहे हो, तो आप इस मर्म को जान लो कि प्रथम श्रोता वक्ता ही होता है। कोई सुने ना सुने, थोड़ी माइक खराब करके देखो मैं ऐसी तैसी कर दूंगा तुम्हारे, क्या कैसे बजा रहा है, और हमको कोई मतलब ही नहीं बोलने से, मतलब तो बोले जा रहे। एक एक शब्द जो श्री कृष्ण के विग्रह स्वरूप हैं, ये मत समझना कि कोई वक्ता कर रहा है, होता तो यही है बांस की पोपली बन जाते हैं, प्राणों से श्री कृष्ण उसे फूंकते हैं, तुम भी सुन रहे हो हम भी सुन रहे हैं, अंतर इतना ही है हम चौकी पे बैठ के, हम तो बैठे कहां चौकी पे, चौकीदार, और जमीन पे जो बैठा हो जमींदार हैं, तो बड़े तो आप हैं।